तहरीक इंसाफ ने 12 रबीउल अव्वल को सेमिनार मंसूख कर दिया। 17 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सेमिनार रैली मुनक्किद नहीं की जाएगी। ज़राए के मुताबिक 21 सितंबर जलसे से कबल कोई सियासी सरगर्मी नहीं होगी। गिरफ्तारियों से बचने के लिए महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार मंसूख किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की सफाई अब प्राइवेट कंपनियां करेंगी। साफ सुथरा पंजाब के तहत मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट को आउटसोर्स करने की तैयारियां मुकम्मल। LWMC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कसूर, शेखुपुरा, ननकाना की 7 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट पर प्राइवेट पार्टनर्स को अवार्ड करने की इजाज़त दे दी। LWMC वर्कर्स पर प्राइवेट फंड्स के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की भी मंजूरी दी गई। पंजाब को प्लास्टिक बैग से पाक करने का मिशन। महकमे माहौलियात ने 2 माह में 77 टन प्लास्टिक तल्फ किया। खिलाफ वर्जी पर प्लास्टिक बैग्स कब्जे में ले लिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सूबे को प्लास्टिक बैग से मुकम्मल तौर पर पाक करने पे अभी वक्त लगेगा। सरकारी दफातर की सतह पर प्लास्टिक फ्री की पॉलिसी में अमल हो चुका। माहौलियाती बेहतरी के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रहेगा। धर्मपुरा के करीब नामालूम अफराद ने रेलवे मुलाजिम को कत्ल कर दिया। मुलजमान ने 58 साल खालिद हुसैन के सर पर भारी चीज़ मारी और लाश नहर में फेंक दी। मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने लाश को मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि सेफ सिटी के कैमरों और दीगर शवाहद की रोशनी में तहकीकात जारी है। मुलजमान को जल्द तलाश कर लिया जाएगा। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में IBO's ऑपरेशन। 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान के मुताबिक कार्रवाई लाहौर, मियांवाली, भावलपुर, रहीम यार खान, साहिवाल, रावलपिंडी और फैसलाबाद में की गई। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, डिटोनेटर्स, हिफाजती फ्यूजायर्स, असलाह और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए। दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ और हरास फैलाना चाहते थे।